हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस मॉनिटर में फिर से एक बार न्यू वीडियो में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है प्रिंस और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर ऐसे ऐसे यूट्यूब से रिलेटेड अपडेट आता है या न्यू टेक्निकल वीडियो लाता रहता हूँ। तो दोस्तों आज कोई टेक्निकल वीडियो नहीं है, आज आपके लिए मैं लाया हूँ यूट्यूब से रिलेटेड एक बहुत ही झकास अपडेट न्यूज। अब दोस्तों यूट्यूब से कोई भी अपडेट न्यूज आती है तो मैं आपको बताते जाता हूँ चैनल पर, लेकिन ये जो अपडेट है वो यूट्यूब से नहीं है, वाई टी स्टूडियो से है। दोस्तों वाई टी स्टूडियो ऐप्स नहीं, वाई टी स्टूडियो वेब से, मतलब वाई टी स्टूडियो ब्राउजर से, जहाँ से आप क्रोमो से वाई टी स्टूडियो ऐप ब्राउजर में जाते हैं वहाँ से आपको ये अपडेट है। बहुत ही ढाकर है, इस अपडेट बहुत पहले ही आ चुकी है लेकिन किसी ने इस पर मतलब गौर नहीं किया, किसी ने इसको बताया नहीं, लेकिन मैं आपको इस वीडियो मतलब इस अपडेट को बताने वाला हूँ। दोस्तों अपडेट क्या है कि आप रोज डेली YouTube पर वीडियो अपलोड करते हैं, आपका वीडियो पे वॉच टाइम कम आता है, आपका वीडियो का व्यू कम आता है। तो दोस्तों मान लीजिए आपको पता चल जाए कि आपके वीडियो में क्या कमी है, मतलब इस वीडियो में मेरा क्यों वीडियो में मेरा व्यू कम आ रहा है, क्यों मेरा वीडियो लोग कम देख रहे हैं, मेरा क्यों वीडियो वायरल नहीं, आपको ये पता चल जाए तो समझ लीजिए, आप भी मान लीजिए कि आपको ये पता चल जाए कि आपका वीडियो में व्यू क्यों नहीं आ रहा है, मेरा वीडियो लोग क्यों नहीं देख रहे हैं, तो आप अपने वीडियो में सुधार कर सकते हैं और आप उस सुधार गलती को सुधार सकते हैं। मतलब मोटे शब्दों में बताऊं तो आपको अपने वीडियो का गलती अगर पता चल जाए कि मेरे वीडियो में क्या गलत मैंने बोल दिया है, मतलब क्या नहीं बोलना चाहिए, तो ये आपको पता चल जाए तो आप अपने वीडियो को उसको अगला वीडियो को सुधार कर डाल सकते हैं, कंटेंट बना सकते हैं, कंटेंट डाल सकते हैं। तो दोस्तों आपकी वीडियो कितनी प्यारी है, मतलब यूट्यूब आपको ये बताने वाला कि आपका वीडियो कितना अच्छा है, आपका वीडियो कितना लोगों ने कहाँ से कहाँ तक देखा है, आपका वीडियो पे एक सेकंड जैसे एग्जाम्पल में एक सेकंड भी कितना लोगों ने देखा है, मतलब ये आपको पता चल जाएगा दोस्तों कि आपके YouTube मान लें कि आपका 5 मिनट का कोई YouTube वीडियो है तो 5 मिनट में सबसे ज़्यादा मतलब कोई कौन सा जगह पे सबसे ज़्यादा लोगों ने देखा है, 100% लोगों ने कौन सा मतलब परसेंट कौन सा वीडियो के भाग को सबसे ज़्यादा लोगों ने देखा है। आप समझिएगा मेरी बात को, थोड़ा सा मैं समझाने का थोड़ा मेरा माइंड कमज़ोर है क्योंकि मैं न्यू यूट्यूब चैनल किया हूँ बनाया हूँ, इसलिए मैं उतना अच्छे से नहीं समझा रहा हूँ, फिर भी मैं आपको थोड़ा अपने लैंग्वेज में समझा दे रहा हूँ कि आप कोई वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो आपको अपने वीडियो में क्या गलती आप किए हैं, कहाँ कौन सा चीज़ नहीं बोलना है, यूट्यूब आपको ये बताएगा। तो दोस्तों थोड़ा समझ नहीं रहे तो वीडियो को देखिएगा तो मैं आपको मतलब एक एक करके स्टेप बाई स्टेप आपको समझाऊंगा कि मेरा कहने का मतलब क्या है। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को है छोड़िए इस बात, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर अपना फोन को ओपन कर लिया दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं कि यूट्यूब कैसे आप ही को बताएगा दोस्तों आपके वीडियो को, यूट्यूब कैसे बताएगा कि आपका वीडियो कितना प्यारा है, आपका वीडियो कहाँ पे आप मतलब कौन से जगह पर आपका वीडियो बहुत लोग देख रहे हैं, कहाँ से पर आपका वीडियो को ऑडियंस रिटेंशन बहुत ज़्यादा आ रहा है, कौन ऐसा जगह है जहाँ मतलब में आपका वीडियो सबसे अधिक देखा जा रहा है, तो यूट्यूब में आप कैसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्रोम जाना होगा दोस्तों, आप वाई टी स्टूडियो में ये मतलब है अपडेट, लेकिन वाई टी स्टूडियो ऐप में नहीं है दोस्तों, आपको सिंपली जैसे मैं बता रहा हूँ उसे आपको फॉलो करना है। क्रोम में जाना है दोस्तों, क्रोम में जाने के बाद सबसे पहले आपको यूट्यूब ओपन कर लेना है, यहाँ पे youtube.com भी डाल सकते हैं, यूट्यूब को भी क्लिक कर सकते हैं, ऊपर से आपको थ्री लाइन पे क्लिक करके डेस्कटॉप साइड पे आपको डेस्कटॉप साइड पे इसको इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के बाद सबसे ऊपर देखिए आपके किनारे में आपका चैनल का लोगो आ जाएगा, चैनल के लोगो पर क्लिक करना है, यहाँ पर नीचे 3 नंबर पर देखिए 3rd नंबर पर YouTube स्टूडियो है, YouTube स्टूडियो को आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पे YouTube स्टूडियो को ओपन करने के बाद दोस्तों आपका जितना भी YouTube स्टूडियो है यहाँ पे आपका जो भी YouTube स्टूडियो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा, देखिए ओपन हो गया दोस्तों। अब वहाँ पे देखिए दोस्तों सबसे नीचे पब्लिश वीडियो, यहाँ पे जितना भी आपका वीडियो पब्लिक है ये सारा दिखाएगा यहाँ पे वीडियो का, तो सबसे पहले आप कोई भी यहाँ से वीडियो ले सकते हैं, मैं एग्जांपल में एक वीडियो लेकर यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो मैं जैसे इस वीडियो पे क्लिक किया दोस्तों, वीडियो पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ये पेज ओपन हो गया, लेकिन दोस्तों यहाँ पे किनारे देखिए आपको यहाँ पे वीडियो के नीचे एक एनालिटिक ऑप्शन होगा, सीधे आपको एनालिटिक पर चल जाना है, देखिए एनालिटिक यहाँ पे ओपन हो गया, एनालिटिक पर ओपन होने के बाद दोस्तों ये पेज आपका ओपन हो जाएगा। दोस्तों ये पेज ओपन होने के बाद सबसे नीचे दोस्तों देखिए यही आपका मतलब अपडेट है, देखिए यहाँ पे लिखा है की मोमेंट फॉर ऑडियंस रिटेंशन, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ की मोमेंट्स फॉर ऑडियंस रिटेंशन, इसी पर किसी ने ध्यान नहीं दिया दोस्तों, बहुत कम मतलब इसके बारे में वीडियो है और है भी नहीं दोस्तों, मैंने बहुत मतलब मैं हमेशा सर्च करते रहता हूँ तो मेरे को ये कल पता चला तो सोचा कि मैं आपको बता दूँ। अब सबसे पहले देखिए दोस्तों यहाँ पे इंट्रो का ऑप्शन दिख रहा है, इसके बीच में देखिए दोस्तों यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा कंटिन्यूअस सेगमेंट, इंट्रो को छोड़ देते हैं दोस्तों, कंटिन्यूअस सेगमेंट इंट्रो में वो हो गया जो वीडियो को पहले इंट्रो लगाते हैं उसका हो गया, कंटिन्यूअस सेगमेंट पर देखिए दोस्तों कंटिन्यूअस सेगमेंट हम क्लिक करते हैं,
यहाँ पे देखिए क्लिक करते ही ऊपर क्या लिखा है, व्यूअर वॉच दिस सेक्शन विदाउट ड्रॉपिंग ऑफ ग्रेट जॉब। मतलब इसका मतलब हो गया दोस्तों कि आपके वीडियो पे कहाँ से कहाँ तक व्यूअर, आपके सब्सक्राइबर या कोई भी आपका जो वीडियो देखा है कहाँ से कहाँ तक बिना ड्रॉप किए आपके वीडियो फुल देखा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ब्लू आपको हरा मतलब हल्का कलर का ब्लू आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों रेड कलर के इधर होगा, यहाँ से यहाँ तक एकदम ब्लू आपको दिख रहा होगा, हल्का मतलब कलर में आपको ब्लू दिख। तो यहाँ से यहाँ तक मेरा जो भी सब्सक्राइबर या जो भी मेरा वीडियो को देखा है लोग, यहाँ से यहाँ तक बिना ड्रॉप किए एकदम लगातार देखा है दोस्तों। मतलब इसके इधर जितना भी है और इसके इधर जितना भी, वो सब बेकार में वो सब कोई नहीं देखा है, लेकिन यहाँ से जो है आपको ग्रीन दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है, ग्रीन हल्का कलर में ध्यान दीजिएगा, वहाँ से वहाँ तक आपके मतलब सारे मतलब अधिकतर लोगों ने मतलब सारे लोगों ने यहाँ से यहाँ तक आपका बिना ड्रॉप किए मतलब बिना स्किप किए, बिना स्टॉप किए, बिना बढ़ाए यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक मेरे वीडियो को लगातार देखा है, मतलब मेरे सब्सक्राइबर और जो भी मेरे वीडियो को देखा है। तो दोस्तों कितना अच्छा, आप खुद सोचिए कि यहाँ से यहाँ तक देखने, तो यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या बोला है। ऊपर देखिए वीडियो में आपका बॉक्स भी देख दिया है दोस्तों, यहाँ से आप प्ले भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बॉक्स भी आपको दे दिया है वीडियो में, देखिए अब यहाँ से प्ले भी कर सकते हैं, यहीं से आपका चलेगा, आपको प्ले करके सुना देगा कि यहाँ से यहाँ तक आपने क्या बोला है कि इतना सारे लोगों ने आपको यहाँ से यहाँ तक बिना स्किप किए आपका सारा वीडियो देखा है। अब ये हो गया दोस्तों कंटिन्यूअस सेगमेंट का। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों एक स्पाइक का ऑप्शन दिख रहा है, स्पाइक का, तो स्पाइक पे आप क्लिक करते हैं। स्पाइक पे क्या है दोस्तों, स्पाइक पे क्लिक करते हैं, स्पाइक पे क्लिक करने देखिए दोस्तों ऊपर लिख दिया मोर व्यूअर वॉच्ड दिस पार्ट ऑफ, ये फिर से स्पाइक पे क्लिक करते हैं एक बार दोस्तों। ये स्पाइक पे वो हो गया दोस्तों कि जो भी मतलब आपके वीडियो में कौन सा ऐसा चीज़ है जिससे सारे लोगों ने देखा है, मतलब कौन ऐसा जगह है, लेकिन जो भी मतलब ऐसा आपके वीडियो में कौन ऐसा मतलब क्या आपने कब बोला है कि जो पूरे लोगों ने देखा है दोस्तों, सारे लोगों ने देखा है। स्पाइक पे आप क्लिक करके ये देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ब्लू कलर का हल्का आपको दिख रहा होगा निशान, ब्लू कलर का हल्का पेज दिख रहा होगा यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा। तो यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कितने परसेंट लोगों ने अपने, देखिए दोस्तों 100% में 30% लोगों ने मेरा यहीं केवल देखा है, तो बहुत कम ही है दोस्तों, ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ से मतलब जैसे तो मेरा तो न्यू यूट्यूब चैनल दोस्तों, मैंने अभी न्यू यूट्यूब चैनल बनाया, तो ये मेरा कम दिखा रहा है। अगर आपका बड़ा यूट्यूब चैनल है या अभी आप शुरुआत किए हैं यूट्यूब चैनल का, तो आप यहाँ से आप देख कर डेली ये पता कर सकते हैं कि आपकी वीडियो में कौन से जगह से ज़्यादा लोग देख रहे हैं, कौन जब फालतू जगह है, कहाँ पे मेरा लोग थोड़ा सा वीडियो देख ही नहीं रहे हैं, कौन जगह मेरा वीडियो को स्किप कर दे रहे हैं लोग। तो आप देख कर अपना वीडियो को अगला कंटेंट सुधार सकते हैं, अपना अगला वीडियो को सुधार सकते हैं, और उससे आपका व्यू भी आएगा, वॉच टाइम भी आएगा। तो देखिए दोस्तों ये मेरा 30% का ये कंटिन्यूअस सीज में इंट्रो। तो दोस्तों ये तीन जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला था, अगर आप यूट्यूब क्रिएटर हैं तो ये तीन आप हर एक वीडियो को चेक कर सकते हैं। मैंने तो एक वीडियो को चेक करके आपको बताया, आप डेली वीडियो अपलोड कीजिए और डेली एक दिन के बाद इसको चेक कीजिए कि कौन से वीडियो पर कहाँ से कहाँ तक मेरा ऑडियंस रिटेंशन ज़्यादा आ रहा है, कहाँ से कहाँ तक मेरे लोगों ने मैं मतलब वीडियो को स्किप नहीं किया है। तो दोस्तों यही मैं तीन सेटिंग आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। जो शुरू में मैं बोल कर आपको नहीं समझा पाया, अब आप उसको समझ चुके हैं। अगर नहीं समझ चुके हैं दोस्तों तो उसके लिए सॉरी, मैं और भी कोशिश करूंगा, उसके लिए आप कॉमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से इस पर एक और न्यू वीडियो बना दूंगा आपको समझाने के लिए। आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर से मिलते हैं एक बार न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।